दोस्तों व्हाट्सएप का एक बहुत ही बढ़िया न्यू फीचर अपडेट्स आया है जिससे कि आप अब अपने व्हाट्सएप को एक साथ चार चार मोबाइल फ़ोन्स में चला सकते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई OTP लेना है और ना ही आपको अलग से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आप डायरेक्टली अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में बने एक ही नंबर के व्हाट्सएप को चार चार मोबाइल फ़ोन्स में सेम चला सकते हो। जैसे कि मैंने इस मोबाइल का व्हाट्सएप अपने इस दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन्स में लॉगिन कर रखा है जिससे कि अगर मुझे कोई मैसेज करता है तो ये मैसेज दोनों ही मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप में शो होता है। साथ ही कोई दूसरा पर्सन अगर कोई स्टेटस लगाता है तो ये स्टेटस दोनों ही मोबाइल फ़ोन्स में शो होगा और किसी भी ये मोबाइल फ़ोन से देखा जा सकता है। तो ये तो बात हुई कि आप अपने WhatsApp को किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके कौन कौन से काम कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि आप अपने WhatsApp को किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में कैसे चला सकते हो। अपने पहले वाले मोबाइल का WhatsApp सेम दूसरे मोबाइल फ़ोन में चलाने के लिए आपको दूसरा मोबाइल फ़ोन ले लेना है और इसमें आपको प्ले स्टोर ओपन करके व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से ही व्हाट्सएप डाउनलोड किया हुआ है तो आप इसे प्ले स्टोर पर आकर अपडेट कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर नहीं डालना है। अपने पहले वाले मोबाइल का व्हाट्सएप अपने इस दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में चलाने के लिए आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको लिंक डिवाइस का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सिर्फ यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर लिंक डिवाइस का ऑप्शन लाने के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन करना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप बीटा लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने व्हाट्सएप बीटा की ये वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल कर आओगे तो आपको बीकम ए टेस्टर नाम से ये ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बीकम ए टेस्टर पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप के बीटा यूज़र बन जाओगे। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि व्हाट्सएप जैसे ही कोई भी अपडेट्स लाता है तो आपको नॉर्मल यूज़र से पहले आपको व्हाट्सएप के अपडेट अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में मिल जाया करेंगे। इतना करके व्हाट्सएप का बीटा यूज़र बनने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको व्हाट्सएप ओपन नहीं करना है, आपको अपने दूसरे वाले मोबाइल में फिर से प्ले स्टोर ओपन करके व्हाट्सएप को सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको एक बार व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है और दोबारा से इस व्हाट्सएप को डाउनलोड कर लेना है। दोबारा से व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन करना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। आपको कोई भी मोबाइल नंबर नहीं डालना है, बस आपको ऊपर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अपने दूसरे वाले मोबाइल में इस तरह से QR कोड जनरेट होने के बाद अब आपको अपने पहले वाले मोबाइल का WhatsApp दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन में चलाने के लिए अपने पहले वाले मोबाइल में WhatsApp को ओपन करके यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिंकेड डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करना है और यहाँ लिंकेड डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यूज़ मोबाइल डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके पर क्लिक करके सभी परमिशंस को अलाउ दे देना है। सारी परमिशंस अलाउ करने के बाद आपके पहले वाले मोबाइल फ़ोन में इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको इस तरह से अपने दूसरे वाले मोबाइल में ये QR कोड स्कैन कर लेना है। इस तरह से जैसे ही आप QR कोड स्कैन करोगे तो ये आपके दूसरे वाले मोबाइल में आपके पहले वाले मोबाइल का WhatsApp लोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपने पहले वाले मोबाइल में जो भी चैट्स करके रखी होगी वो सभी चैट्स आपके दूसरे वाले मोबाइल फ़ोन्स में सेम टू सेम आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, अब मेरे इस दोनों ही मोबाइल में सेम व्हाट्सएप चल रहे हैं। अब अगर मेरे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो मेरे ये दोनों ही मोबाइल के व्हाट्सएप में मैसेज शो होगा। इसी तरह अगर आपको किसी तीसरे मोबाइल में अपने इस व्हाट्सएप को चलाना है तो आपको उसमें भी व्हाट्सएप डाउनलोड करके QR कोड को जनरेट कर लेना है और पहले वाले मोबाइल में आकर लिंकेड डिवाइस पर क्लिक करके आपको उस QR को स्कैन कर लेना है जिससे कि आपके मोबाइल में उस मोबाइल का व्हाट्सएप चल जाएगा। और जब तक आप खुद से अपने व्हाट्सएप को लॉग आउट नहीं करोगे तब तक वो व्हाट्सएप चलता रहेगा।
रहेगा। अब अगर मान लो आपको अपने व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल से लॉग आउट करना है तो आपको अपने पहले वाले मोबाइल में थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिंक डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका ये वाला व्हाट्सएप जितने भी मोबाइल फ़ोन्स में चल रहा होगा वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे कि हमारे फ़ोन में यहाँ एंड्रॉयड 9 लिख कर आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके दूसरे मोबाइल से व्हाट्सएप इस तरह से ऑटोमेटिकली ही लॉग आउट हो जाएगा। अब मैं अपने दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने यू हैव बीन लॉग आउट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब मैं अपने व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल में नहीं चला सकता जब तक कि यहाँ से मेरे इस पहले वाले मोबाइल से परमिशन नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने एक व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल फ़ोन्स में चला सकते हो। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।